बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्तों को इश्यू होता है कि हम मुख्तलिफ वेबसाइट से फाइल्स डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कोई वायरस है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डाउनलोड किया, फाइल ओपन की और उसको इंस्टॉल कर। तो अगर आपने पहले चेक नहीं किया या उसको स्कैन नहीं किया और आपने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा वायरस हो, कोई ऐसी फाइल हो, कोई ऐसा लिंक हो कि जब आप उसको क्लिक करें तो आपके कंप्यूटर या आपके जो भी टैबलेट है या मोबाइल फोन है उसको हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अब आप इंश्योर कैसे करेंगे कि जो फाइल मैंने अपलोड की है क्या वाकई वो क्लीन है या उसमें कोई वायरस। आज इसी मसले का हल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक बहुत अच्छी एक ऑनलाइन वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसको यूज करते हुए आप तसल्ली से जो भी फाइल डाउनलोड करेंगे उसको पहले आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, उसके बाद अपने सिस्टम में यूज कीजिएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हाउ टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो वेबसाइट है आज की वो है virustotal.com। ये कैसी जबरदस्त वेबसाइट है कि इसमें आप दो तीन तरीकों से अपना जो फाइल्स हैं उनकी स्कैनिंग कर सकते हैं, उनका चेक कर सकते हैं क्या ये क्लीन है या इसमें कोई वायरस है। तो यहाँ से तसल्ली करने के बाद आप अपनी फाइल्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, वो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने सिस्टम पे ले जाएगा। आप जहाँ भी आपका मुतल्लिका फोल्डर है वहाँ पे आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, बेशक वो जिप फाइल में हो, कोई इमेज हो, कोई फोल्डर हो, वो आप यहाँ पे स्कैन कर सकेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड करना है तो किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं या उस इमेज का लिंक यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो ये वहां से भी स्कैन कर लेगा क्या है किसी ने कोई बैक एंड में कोई वायरस या कोई ऐसी फाइल तो नहीं रखी हुई जो आपके लिए बाद में नुकसानदेह साबित हो सकता। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू भी और आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद वहां से आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। तो मैंने एक जिप फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, एक सॉफ्टवेयर है। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा ये मुझे पूरी डिटेल दे देगा, नो सिक्योरिटी वेंडर्स एंड नो सैंडबॉक्सेस फ्लैग दिस फाइल्स एज मलिशियस। तो जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन इसकी स्कैनिंग की है मुख्तलिफ एंटीवायरस से तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ भी इशू शो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये आपकी फाइल क्लीन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप और भी अपनी फाइल्स, अपनी इमेजेस, हर चीज पहले यहाँ पे चेक कीजिएगा और इसके बाद आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें। ये दोस्तों तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज करता हूँ तो मेरे जहन में यही चीज थी कि मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ भी ये चीज शेयर करूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहले यूज कर रहे हो, जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।